आज देश भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला छावनी के अटल कैंसर केयर सेंटर में भी कैंसर के मरीजों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। बता दें कि अटल कैंसर केयर सेंटर में कैंसर के मरीजों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम पीएमओ की देखरेख में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत ACCC के SMO डॉक्टर यशपाल वर्मा ने कैंसर मरीजों को जागरूक करते हुए बताया कि लगभग 140 करोड़ में से हर साल 14 लाख कैंसर के मरीज मिल रही हैं। वहीं अटल केयर सेंटर में स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर और महिलाओं में गर्भाशय कैंसर के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने आज मरीजों सहित अन्य लोगों को जागरूक किया। आज 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। तो इस संदर्भ में हमने हमारे अटल कैंसर केयर सेंटर में आज एक मरीजों के साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा था। तो हमारा मकसद था उनको जागरूक किया जाए कि वो कैंसर के बारे में ये जाने कि उससे बचाव कैसे हो, उसको हम अर्ली स्टेज में जल्दी पकड़ पाए और उसका अच्छे से इलाज कर पाएंगे। इसके साथ हमारी एक और मंशा रहती है कि हम मरीजों को ना सिर्फ अच्छा इलाज बल्कि उनको एक सोशो इकोनॉमिक और रिहैबिलिटेशन की सुविधा भी दे पाएँ, ताकि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन या आने जाने में जो दिक्कतें होती हैं उसके लिए भी हमने मरीजों को सचेत किया है। जैसे कि सरकार की तरफ से फ्री बस पास की सुविधा उपलब्ध है मरीजों के लिए, जैसे उनको हमने कंसेशनल रेल पास या कंसेशनल एयर ट्रैवल पासिस के बारे में बताया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने अभी कैंसर के स्टेज 3 और स्टेज 4 के मरीजों के लिए एक पेंशन योजना का की घोषणा भी की है, जिसमें लगभग 2500 रुपये प्रति माह के लिए कैंसर के एडवांस कैंसर के मरीजों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को इस बारे में जितना सचेत किया जा सकता है और मरीजों को जो ज्यादा से ज्यादा लाभ हम दे सकते हैं उसके लिए हम प्रयासरत हैं। वहीं आज गृह मंत्री अनिल विज ने भी वर्ल्ड कैंसर डे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कैंसर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से वर्ल्ड क्लास आधुनिक केयर सेंटर अंबाला छावनी में बनाया गया है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। वहीं अस्पताल में 125 के करीब इस अस्पताल में सक्सेसफुल ऑपरेशन किए जा चुके हैं। कई प्रदेशों के मरीज भी यहां पर अपना इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अनिल विज ने कैंसर के बढ़ते मामलों पर जल्द ही कमेटी बनाने का दावा किया, जो कि जांच करेगी कि किन कारणों की वजह से लगातार कैंसर बढ़ रहा है। ये जो कैंसर है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अपने पैर पसार रहा है। उसी को देखते हुए हमने अंबाला कैंट में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया है और लोगों को उसका बहुत लाभ भी मिल रहा है। लगभग 125 के करीब सक्सेसफुल ऑपरेशन किए जा चुके हैं और आजू बाजू की सारे प्रदेशों के जो मरीज हैं वो यहाँ पर आते हैं। 15 तारीख से जिस डायरेक्टर के हमने अपॉइंटमेंट की है वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। वो IMA के सीनियर डॉक्टर हैं, वो IMA यानी एम्स के सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर व्यास, वो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। इसके ऊपर ये रिसर्च भी होनी चाहिए और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा रोहतक का PGI करे कि ये कैंसर क्यों बढ़ रहा है। उसके लिए मैं एक कमेटी बनाऊंगा कि जो ये रिसर्च करे कि कैंसर के बढ़ने के कारण क्या है, जो जो कैंसर के पेशेंट हैं उनकी जो है हिस्ट्री को वो रिकॉर्ड करे और जो भी तरीका होता है रिसर्च करने का वो हम रिसर्च करवाएं। वर्ल्ड कैंसर डे पर आज जहां अंबाला छावनी के अटल कैंसर केयर सेंटर में मरीजों सहित लोगों को जागरूक किया गया, वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से कैंसर स्टेज 3 और 4 के मरीजों को प्रतिमाह सरकार की ओर से 2500 रुपए पेंशन की योजना का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें सरकार द्वारा मरीज की आर्थिक तौर पर मदद की जा रही है ताकि उसका सही तरीके से इलाज हो सके और उसके घर पर ज्यादा आर्थिक बोझ भी न पड़े। पंजाब की SU TV के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।